हालात सख्त तश्वीशनाक हो चुके हैं। शिकस्त में हम भी फातिहा ही करके आ गए। मगर क्यों? क्योंकि किसी अगर देखे हारे भी बंदा तो किसी वजह से हारे। कोई खेले तो सही, जवानों की तरह खेला तो सही, मरे मुके ठिड्डे, इन्होंने कुछ करो तो सही। दिल नहीं कर रहा था आज वीडियो शूट करने का, दिल इतना दुखा हुआ है कि बयान नहीं कर सकता अल्फाजों के अंदर। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। बाबर आजम जिसको मैंने इतना माना, जिसके लिए मैंने जिसको कहते हैं लोगों से लड़ा, आज वो फिर धोखा दे गया हमें। बस हवा निकल गई। कैसा है सफर वफा की मंजिल का, ना है कोई हल दिलों की। टॉस जीत के भी पाकिस्तान मैच हार गया, टॉस जीत के भी पाकिस्तान मैच हार गया। यकीन नहीं आ रहा कि 5 आउट हो गए हुए थे 58 पे, हम मैच जीत चुके हुए थे। सरफराज को जो है वो पता नहीं कितना फाइन कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उसने आउट होने के बाद गाली दी थी। तो वो वीडियो मेरे पास आ गई, पहले वो वीडियो देख ले। You could get on to tip of his toes, that's Apesh and gone. भाई ये देखो गाली थोड़ी है, ये तो हमारी आधी कौम है यार। जिनको ये जोक नहीं समझे ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ ये भगवान क्या जुलूम है। मैं इंडिया से हूँ, मुंबई। तो आप अंदर से खुश हैं कि हम हार गए पाकिस्तानी? काफी खुश है आज, दिल खुश कर दिता, सब खुश हो गया आज, हमारे सारे जख्म पे सब अच्छा हो गया, सब ठीक हो गया। सवाल इसलिए तो मैं, ताकि हम आपका दुख देख सके। उसको बात कर लो, क्या हुआ है? क्यों टूटा है दिल? वो देखे इंडियन लड़की है, वो तो खुश है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान भी खुश है जी, इंडिया खुश होंगे, इंडियन तो खुश होंगे, जाहिर हो गए थे। लेकिन बाकरी आपको पता है कि हम क्रिकेट लवर हैं, हमारा जीना क्रिकेट है, हमारा भाई वरना क्रिकेट है। लड़की खड़ी हुई है, उसकी टीम बाहर हो गई है, वो तो नहीं रो रही। सही बात है, वो उन्होंने मातम कर लिया पहले, उन्होंने मातम कर लिया। आज वो खुश हुए, आज खुश हुए ना? पिछले संडे खुश हुए थे। नहीं बाकरी, टीम लड़के आरती में कभी न रोता, टीम लड़के आरती में कभी न रोता। बिल्कुल मेरी टीम लड़ी नहीं है और कमजोर टीम के सामने घुटने टेक के। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और हमारे मैच्योर कप्तान बाबर आजम ने भी खिलाड़ियों को एक दूसरे पर हार का इल्ज़ाम डालने से बकायदा रोका। अब मेरे ख्याल से जो होना था वो हो गया, किसी एक को हार का इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। और मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने बस ये याद रखे कि बहुत ज़बरदस्त खेल पेश किया और बहुत दिल से खेला, बस इसी को देखना चाहिए। अब फाइनल हार गया, क्या किया क्या पाकिस्तान, समझ ही नहीं आई यार। यकीन करो अल्फाज ही नहीं है, किस तरह मैं बयान करूं? नहीं, मुझे आपके जिसको कहते हैं चेहरे से अंदाजा हो रहा है कि मतलब कि आपको कितना पेनफुल आपके लिए है। हाय हाय, इतना सुकून। मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। नहीं यार, नहीं मेरे पास अल्फाज नहीं है यार। नहीं यार, बहुत यार मेरे पास अल्फाज नहीं है यार, अल्फाज खत्म हो गए यार मेरे पास यार। ये बात है यार, नहीं यार यार भाई भाई यार, मतलब यार, मतलब कुछ भी यार, मतलब आप तो चेन बड़ी आप है। चेन छोड़ो यार, मुझे आप उठा के पानी में फेंक दो यार, मुझे मार दो यार, गोलियां मारो यार मुझे। कीजा इंजी कम है राजापक्षा की, नीचे से आकर प्रेशर लगा हुआ था, श्रीलंका की प्लानिंग की भी तारीफ बनती है यहाँ पर। नहीं, मैं तो ये पहले भी कहा था कि श्रीलंका है ना, सारों से अच्छी क्रिकेट खेली है एशिया कप में। वो इसलिए कि जो इनका प्लान था ना, कि जी ये अपना रिदम को ब्रेक नहीं करते, कि आउट हो जाए तो उस चीज का प्रेशर नहीं लेते। हर ख्याल में जी श्रीलंका की बैटिंग की जितनी तारीफ की जाए, और ये बॉलिंग में भी अपने इसी तरह ही खेलते, जो रोल इनको
दिए जाते हैं ना बॉलर्स को, ये उसी पे ना बॉलिंग भी करते हैं। मैंने एक बात जो मुझे श्रीलंकन की अच्छी है, मुझे एक बड़ा नाम बता दें इस टीम में, आप एक बड़ा नाम बता दें। तो छोटे नाम नहीं ले जा रहे इतने मुश्किल, मतलब अभी ये यंग लड़के हैं, यंग टीम, लेकिन आप उनकी अप्रोच देखें, उनकी बैटिंग में, उनकी बॉलिंग में। जहाँ जहाँ क्रिकेट जाती है हम कितने बंदा इतना उदास है, मुझे समझ नहीं आ रही यार, ये 20 ओवर की गेम है, इसमें जो बेस्ट डे करता है वही जीत जाता है। आखिरी बात आखिरी भाई, तुम्हें बताया हम कितने मुश्किल बजट में यहाँ तक पहुँचते हैं। टीम लड़के आ रहे, इंडिया लड़की हंस रही है, टीम लड़के आ रहे, लग रहा है हम दुश्मन को भी पकीजा सजा देते हैं, उठाते नहीं हाथ, पोस्ट नजरों से गिरा देते हैं, गिरे हुए लोगों की बात ना करो बाकरी, आज दिल पे असर हुआ, आज दिल पे असर हुआ है, बस कर कांटू। ओ किया तो किया क्या, मतलब के सीधा सीधा मैच आपने हरवा दिया, 170 रन खा लिए, उसके बाद फिर लंका ने 9 एक्स्ट्रा रन दे दिए बगैर कोई बोल हुए, उसके बावजूद आप मैच नहीं जीत सके। लानत है तुम लोग पे, लानत। बाबर आजम आउट, फकर जमान लगातार फ्लॉप जा रहा है, किस बेस पे आज वो खेला है, हैदर अली को क्यों चांस नहीं दिया, बहुत गुस्सा है मुझे, बहुत मैं बयान नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच, मतलब क्या हमारे नसीब में एशिया कप की ट्रॉफी लिखी नहीं हुई, क्या हमारे नसीब में एशिया कप की ट्रॉफी नहीं लिखी हुई, बता दो, 10 साल हो गए हमें ट्रॉफी नहीं मिली। बाबर आजम कब बड़ा कप्तान बनेगा, बगैर ट्रॉफी के कौन सा बड़ा कप्तान होता है, जितने मर्जी तुम दुनिया के नंबर वन प्लेयर बन जाओ, जब तक आप ट्रॉफी नहीं अपने नाम करोगे तब तक आपका नाम नहीं होगा। और आज जिस किस्म की पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसको मैं कह सकता हूँ, मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, लेकिन रही बात आज के मैच की, बात करें एक किस्म, तो पाकिस्तान आज का मैच जीत चुका हुआ था लगभग, पाकिस्तान जब टॉस जीत गया तो पाकिस्तान मैच भी जीत गया हुआ था, सबको पता था पाकिस्तान ने मैच जीतना है, लेकिन ये पाकिस्तान खुद से आ रहा है, मतलब कि मधुशंकर ने पाकिस्तान को जिसको कह सकते हैं समझ से बाहर करके रख दिया, इतना गंदा उसने पहला ओवर करने के बावजूद भी उसने इतना अच्छा ओवर कर दिया कि एक ओवर में 2 आउट कर गया। ओ यार तुम लोग को होश ही नहीं, तुम लोग अपने फैंस के साथ कर क्या रहे हो, या तो तुम लोग टॉस हारे हो समझ आती है, टॉस जीत के भी मैच हार गए हो, और मैं क्या बोलूं। कौन से दिलशन है, कौन से संगकार है, कौन से जयवर्धन है, कोई इतना बड़े नाम नहीं है, बिल्कुल सही। अच्छा ये जो बैटिंग का डिस्प्ले था, क्या मोहम्मद यूसुफ ने प्लान नहीं दिया होगा, ये लड़कों ने सुनने को तैयार नहीं होते। देखिए एक बात तो मैं पहले भी बात सुनता था कि जी मैं बताता हूँ वो सुनते नहीं है, तो इसका मतलब आप इस काबिल नहीं है कि आप वहाँ जाएं, आप उस जगह पे रहें। तो जब हालांकि जिस टाइम ये पहला मैच अफगानिस्तान से हारे थे तो हम इनको कहीं भी कंसीडर नहीं कर रहे थे कि जी ये कोई बड़ी अच्छी टीम है, हमने कहा हो सकता है ये सेकंड राउंड में ना जाए, लेकिन उसके बाद से जिस तरह इन्होंने क्रिकेट खेली है तो बड़ी जबरदस्त इन्होंने अमेजिंग क्रिकेट खेली है कि जी सारी टीमों के अगेंस्ट है ना ये जिस तरह खेले हैं, बहुत जबरदस्त ये स्टाइल ऑफ प्ले भी, लेकिन सिकंदर हर किसी को सूट करता नहीं है, जिस तरह आके बात कर रहे थे कि टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इनके पास नंबर 4, 5, 6 पे, तो देखो उस लिहाज से तो ठीक है, रिदम के साथ खेला जाता है ना क्रिकेट, इनका रिदम बना हुआ है इस पूरे टूर्नामेंट में अमेजिंग। पहले वाकई हम तो पहले यही बात कर रहे थे शायद श्रीलंका सेकंड राउंड में आएगा ही नहीं, मगर है कि वो इतने अच्छे रिदम से खेल रहे हैं, इतने अच्छे रिदम से खेल रहे हैं कि इतना मतलब 5 for 58 और वहां से उन्होंने देखो कितना जबरदस्त रिकवरी। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपको क्या लगता है, तो आपके विचार कमेंट सेक्शन के अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।